हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स। मैं हूं निशांत और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और नए जॉब अपडेट के बारे में, जिसमें यहां पर कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज। और अभी टाटा टेक्नोलॉजीज में जो करेंटली हायरिंग चल रही है वो फ्रेशर लेवल के लिए यहाँ पर हायरिंग चल रही है। जो जॉब का यहाँ पे टाइटल है वो है डेटा साइंटिस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पर जो है टाटा के कैरियर पेज को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा साइंटिस्ट, जिसमें आपकी जो भी हायरिंग चल रही है वो है हमारी पुणे लोकेशन के लिए। और पुणे में जो भी हायरिंग चल रही है उसमें जो सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो केवल 1 ईयर का या फिर फ्रेशर लेवल या एंट्री लेवल का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है डिमांड किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जॉब की क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे जॉब में हमें अप्लाई करना है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोग को देना चाहता हूं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं उन्हें हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपके ऑन स्पेशल डिमांड पे आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की जा रही है डेटा एनालिस्ट की एक नई वर्कशॉप, जिसमें हम लोग कंप्लीट एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे और प्रोजेक्ट को भी वहां पे डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वर्कशॉप के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप जाकर फिल आउट कर दीजिए और साथ ही साथ आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि हम लोग केवल यहाँ पर जॉब पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग डेटा एनालिस्ट के लिए और डेटा साइंटिस्ट के लिए कंप्लीट हमारी एक प्लेलिस्ट पढ़ रहे हैं हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर। तो आपको यहाँ पर मेनली 3 काम कर लेने हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाना है, वर्कशॉप के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल आउट कर देना है और हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके हमारी स्टडी को लगातार जो है करते रहना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसे यहाँ पर रिव्यू करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने गूगल को ओपन कर लिया है और यहाँ पर जाकर सबसे पहले हम लोग टाटा टेक्नोलॉजी जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को जो है यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज की ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पर इस तरीके से ओपन कर ली है। टाटा टेक्नोलॉजीज की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ही आपको किसी भी जॉब में अप्लाई करना है। आप लोग यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज की ऑफिशियल वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे फुटर सेक्शन में कैरियर पेज का लिंक मिल जाएगा। और हमेशा ध्यान ये रखें कि कभी भी किसी भी जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको हमेशा कैरियर पेज में जाकर ही आपको किसी भी जॉब में अप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर नीचे फुटर सेक्शन में आपको कैरियर का जो पेज है वो यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग को ये विजिबल हो पा रहा है या नहीं इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नीचे में कैरियर पेज जो है वो मिल जाएगा। इस कैरियर पेज में आप यहाँ पर जैसे ही जाएंगे और इस कैरियर पेज को ओपन करेंगे तो यहाँ पर टाटा का जो हमारा कैरियर पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको कैरियर पेज का जो लिंक है यहाँ पे ओपन है। ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और किसी भी जॉब में अप्लाई करने से पहले ध्यान ये रखना है कि वो जॉब ऑथेंटिसिटी के साथ आप अप्लाई कर सकें उस जॉब में, तो आपको यहाँ पर कैरियर पेज में जाकर ही किसी भी जॉब में अप्लाई करना है। जब आप टाटा के कैरियर पेज में जाते हैं और यहाँ पे सर्च रोल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर जो नया पेज ओपन होता है वो यहाँ पर ओपन होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इस वीडियो को मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब आज यहाँ पर जो डेट है वो डेट है यहाँ पर 27 अप्रैल, और 27 अप्रैल 2023 को यहाँ पर जो जॉब एक्टिवेट है उसमें सबसे पहले जो एक्टिवेट है वो है यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट। ये जॉब जो है कल ही यहाँ पे पब्लिश हुआ है, जिसको आप जाकर जो है यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर इस जॉब का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इस जॉब पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे रीड करते हैं और उसके बाद कैसे इसमें अप्लाई करना है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफी पैराग्राफ के फॉर्मेट में, तो मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे विजिबल हो पाए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन के अंदर मेंशन किया गया है कि आपने बीटेक एमई एमटेक आपने किया हुआ है या फिर आपने यहाँ पर 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो आपने यहाँ पे गेन किया हुआ है तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऊपर में जो मेंशन किया गया है वो है आपका पोजीशन टाइटल, जो आपको यहाँ पर जो जॉब का टाइटल है वो मेंशन किया गया है डेटा साइंटिस्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे में आपको यहाँ पे पोजीशन टाइटल जो यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है वो है आपका ALML, मतलब AI या मशीन लर्निंग या डेटा एनालिटिक्स Grade 1, मतलब L1। कहने का मतलब आप Level 1 के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये जो जॉब है एंट्री लेवल के लिए फ्रेशर लेवल के लिए काफी यहाँ पर हेल्पफुल होगी। तो आप यहाँ पर दो चीजें देख लिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या यहाँ पर जॉब टाइटल पोजिशन टाइटल आपको दिया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन से स्किल सेट जो है वो आने चाहिए जो मेंशन करके रखे गए हैं। आप देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स,
पाइथन या सी प्लस प्लस या फिर और लिखकर के लिखा गया है या फिर जावा। आपको यहाँ पे पाइथन या सी प्लस प्लस पे कमांड होनी चाहिए या फिर आपको जावा में यहाँ पे कमांड होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी को मेंशन की गई है जो हम लोग यूज करते हैं, ट्रांसफ्लो, पाइटॉर्च यहाँ पर पाइथन के लिए यूज करते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पे पांडा, नम पाई यहाँ पे यूज करते हैं, और एक इनिशियल लेवल के लिए हम लोग डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के लिए प्रोजेक्ट भी बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पर SQL पढ़ते हैं। यही सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है। साथ ही साथ आपको पता है कि जो भी स्टूडेंट अभी हमारे प्रीमियम कोर्सेस के अंदर पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, NLP के प्रोजेक्ट्स, जिसको आप यहाँ पे मेंशन करिए। जो भी हमारे प्रीमियम कोर्सेज के अंदर पढ़ रहे हैं अपने रिज्यूम को अपडेट करें, उसके बाद इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर सारी की सारी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसका डिटेल्स में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप अच्छी तरीके से यहाँ पर इसे रीड भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जॉब में हम लोगों को अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर अप्लाई करने का जो प्रोसेस है काफी सिंपल सा है। आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ की बटन को जो है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर अप्लाई का जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपके पास जो है पर्सनल डिटेल्स और आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स, जैसे कि आपको जो लास्ट एक्सपीरियंस है, आपकी जो नॉर्मल पर्सनल डिटेल्स है वही यहाँ पे नॉर्मल सी मेंशन करनी है, और उसके बाद जाकर अपने जो सबमिट एप्लीकेशन है उसमें आपको एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे प्रीमियम कोर्सेस के अंदर पढ़ रहे हैं वो अपने रिज्यूम में अपडेट करें हमारे प्रोजेक्ट्स को, और उसके बाद इस जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।